ओम श्री गणेशाय आय नम मित्रों मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के साथ राहु का युति होने से उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं क्या क्या नुकसान होता है और इससे कैसे बचा जाए साथ ही इसका क्या उपाय है इन सब बारे में हम आज आप लोगों को बात करेंगे अब चूँकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा मन का कारक होता है सबसे ग्रहों में सबसे तीव्र गति से चलता है ये सवा दो दिन में अपनी एक राशि पार कर लेता है ग्रहों में सूर्य के बाद चंद्रमा को रा, राजा का स्थान दिया गया है चंद्रमा के द्वारा ही व्यक्ति की जन्म कुंडली नाम नक्षत्र की पहचान की जाती है चंद्रमा के आधार पर ही उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी इसका भी विवरण किया जाता है अब चूँकि चंद्रमा मन का कारक है इसलिए ये बहुत तीव्र गति से सोचता है बहुत तीव्र गति से प्लान बनाता है लेकिन जब चंद्रमा के साथ राहु की युति हो जाती है तो कुंडली में ग्रहण लग जाता है ऐसे कुंडली आप देखोगे जिसमें चंद्र राहु जिसके कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं यह व्यक्ति जीवन पर्यंत परेशान ही रहता है कोई काम करेगा सफलता मिलते मिलते बिल्कुल लास्ट में इसको रुकावट आ जाएगी कामों में मन में कोई प्लान किया कि ये काम करना है आगे चलकर उस काम के करने ना करने में ये इतना कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति कि आगे चल के वो काम ही छोड़ देता है परिवार में भी ये हमेशा शक की नज़र से सबको देखता है कोई इसकी बुराई ना कर दे कोई इसे इसकी कोई गुप्त बात ना बता दे ठीक इनके मित्र लोग जो होते हैं मित्र वैसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन मित्र भी विश्वसनीय कम होते हैं हंसी मजाक उपहास उड़ाने वाले होते हैं मौके का फायदा उठाने वाले होते हैं लेकिन जब इनको आवश्यकता पड़ती है तो बहुत कम ही ऐसे मित्र मिलते हैं जो इनको सहायता करते हैं ऊपर से अगर ये ग्रहण आपके छठे घर यानी रोग शत्रु कर्ज स्थान में लग जाए तो ये व्यक्ति या तो रोग से परेशान रहेगा या कर्ज ले लिया है तो ये शुरू शुरू में तो कर्ज ले लेगा धन खर्च कर देगा कर्ज वापस कर देंगे वापस कर देंगे लेकिन जब कर्ज का ब्याज बढ़ते बढ़ते जब बिल्कुल बहुत अधिक हो जाता है तब ये व्यक्ति फिर उसके लिए हाथ पैर मारना शुरू करता है कैसे कर्ज उतारा जाए कैसे कर्ज उतारा जाए कर्ज देने वाले भी इतने कठोर भाषा में प्रयोग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के सुख शांति मानसिक शांति में बहुत बाधा आती है अब क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है जैसे सूर्य पिता का कारक होता है ऐसे चंद्रमा माँ का कारक होता है तो जब माँ के कारक में राहु आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि माँ के जीवन में इनके माँ के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती है अगर यही चंद्रमा आठवें घर में राहु के साथ बैठ जाता है तो ऐसे लोगों के पिता का सुख कम मिलता है इनकी माँ रहते हुए भी बीमार रहती है मानसिक तनाव में रहती है अब जिसका पति ही ना रहे वैसे तो ये कहा गया है कि ये चालीस पचास साल के बाद इनको पिता के सुख में कमी आती है लेकिन ये भी देखा गया है कि इनकी माँ शारीरिक रूप से बीमार रहा करती है ऊपर से ये व्यक्ति अपनी माँ को बहुत प्रेम करता है माँ को हर वो सुख सुविधा देने की कोशिश करता है जो अन्य न दे सके हों लेकिन इनकी माँ इनके सुख सुविधाओं से थोड़ा कम लेना पसंद करती हैं और वो जीवन भर कुछ ना कुछ दुखों से ग्रसित रहती ही हैं यही चंद्रमा राहु जब बारहवें स्थान में आ जाता है तो व्यक्ति कानूनी का पचड़े में फंस जाता है और वो कानूनी पचड़ा उसके जीवन भर की कमाई परेशान कर देती है धन भी जाता है मान सम्मान की हानि होने की संभावना बनी रहती है व्यक्ति बार बार अज्ञात भय से ग्रसित रहता है अब चूँकि जिन कुंड के लोगों के कुंडली में चंद्र राहु बैठा हुआ है ऐसे लोगों को तांत्रिक क्रियाएं भी बड़ी जल्दी प्रभावित कर होती हैं इनके ऊपर किसी तरह का तंत्र मंत्र कर दो या यूँ कहा जाए कि ये मन के कच्चे होते हैं इनको ये बता दो कि तुम्हारे ऊपर ये हो गया है तो बस ये मान के चलते हैं कौवा कान ले गया तो कौवा नहीं टोटते कान के पीछे ये कौए के पीछे भागते हैं तो जब यही चंद्र राहु आदमी के जीवन में सुखों में कमी ला देता है तो फिर इनके जीवन में बहुत असमानता पाई जाती है वैसे ये भी नहीं है कि चंद्र राहु के लोग सुखमय जीवन नहीं जीते हैं इनके पास अच्छा घर मकान वाहन संतान बीवी सब रहती है लेकिन इनकी जो मानसिक शांति है वो बिल्कुल परेशान सी रहती है अब हम आपको राशि के अनुसार बताएंगे कि कौन सी राशि में चंद्र राहु के होने से क्या क्या नुकसान होता है जिन लोगों के कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है ऐसे लोगों को भाई तो होते हैं लेकिन भाइयों से उतना सहयोग नहीं मिलता है कभी कभी तो ऐसे लोग अपने भाई बहनों के कारण परेशान भी हो जाते हैं और ये अगर किसी से छोटी सी भी लड़ाई झगड़ा कर ले, तो इनको ये डर हमेशा बना रहता है कि सामने वाला कभी भी अचानक कहीं भी आक्रमण कर सकता है तो ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए अपनी माता जी के चरणों को रोज़ स्पर्श करना चाहिए और अगर हो सके तो अपने भाई बहनों से भी मधुर संबंध बनाकर रखना चाहिए वृषभ राशि अब जिन लोगों के कुंडली में वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है ऐसे लोगों को वैसे तो सब सुख सुविधा होती है क्योंकि चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाता है लेकिन इनकी धर्म पत्नी से इनके विचार कम मिलते हैं और ऐसे लोग चूँकि सुंदरता के पुजारी होते हैं अन्य स्त्रियों के पीछे इनका मानसिक तौर पर मन बहक जाता है वैसे तो इनको वहाँ कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है लेकिन ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग अपने जीवन साथी धर्म पत्नी का सम्मान थोड़ा कम करते हैं ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन खीर बनाकर छोटी छोटी बच्चियों को खिलाना चाहिए बाद में दोनों पति पत्नी खीर खाएं तो इनका ये राहुल चंद्र का, का दोष निकल जाता है मिथुन राशि <coughs> अब जिन लोगों के मिथुन राशि में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है ऐसे लोग व्यापार बिजनेस करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं इनका एक प्रकार से व्यापार चालू भी हो जाता है लेकिन इनका एक व्यापार छोड़ के दूसरे व्यापार में मन लगा रहता है ये व्यापार न करके ये करता तो मैं बहुत बड़ा बनता ये करता तो, तो इस तरह से ये व्यापार बिजनेस में उतने सफल नहीं हो पाते हैं साथ ही इनका इनकी बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध आगे चल के नहीं रहते हैं लेकिन यह है कि ऐसे लोग दिल के सीधे और सरल विचारधारा के होते हैं ऐसे लोगों को विशेषकर बुधवार के दिन छोटी छोटी बच्चियों को कुछ मीठा बिस्किट चॉकलेट इत्यादि खिला देने से भी ये राहु का दोष काफ़ी कम हो जाएगा कर्क राशि अब जिन लोगों के कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं खान पान में भी थोड़ा इनका बिल्कुल अनियंत्रण होता है जिससे इनको लीवर से संबंधित कोई ना कोई समस्या आ जाती है वैसे तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि चंद्रमा अपनी राशि का होने से इन लोगों को कोई अधिक तकलीफ़ नहीं हो पाती है परंतु इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए खान पीन खाने पीने में गर्म चीज़ें अपच की चीज़ों से दूर रहना चाहिए और कभी भी दूसरे की बात को अपने पेट में पचाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ तक हो सके आप अपनी भी कोई गुप्त बात दूसरों को न बताएं। ऐसे लोगों को सोमवार के दिन घर में कोई भी मीठा पदार्थ बनाकर छोटी छोटी बच्चियों को छोटे बच्चों को देना चाहिए शंकर जी के मंदिर में जाके हर सोमवार जल का से अर्घ करना चाहिए जलाभिषेक करना चाहिए और हो सके तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप एक माला पांच माला ग्यारह माला करें तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा सिंह राशि अब जिन लोगों के सिंह राशि में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है ऐसे लोग अधिकारियों से लड़ने का हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं क्योंकि ये निडर राशि होती है सिंह राशि और चंद्रमा बैठने से इनको छोटी छोटी बातें बहुत चुभती हैं इनको किसी ने हंसी मजाक में भी कोई ब्याग, कोई बात कह दिया तो ये इतना बुरा मान जाते हैं कि कभी कभी दुश्मनी की भावना प्रकट कर देते हैं ऐसे लोगों को विशेषकर अपने अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाने चाहिए अधिकारियों की बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए साथ ही इनको ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र का जाप करने से भी बहुत विशेष लाभ होगा ऐसे लोग रविवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को गरीबों को कोई भी खाने पीने की सामान देते हैं तो इनको इससे और अधिक लाभ प्राप्त होगा कन्या राशि अब जिन लोगों के कुंडली में कन्या राशि में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है ऐसे लोग बातचीत करने में तो बहुत सरल होते हैं हमेशा अपने दिल की बात बोल देते हैं लेकिन ये दूसरे की बात भी अपने पेट में पचा नहीं पाते हैं तो ये बातों बातों में दूसरे की बात दूसरे से कह देते हैं जिससे बेवजह चुगलखोरी का आरोप भी इनको लगता है वैसे तो ये दिल के साफ़ होते हैं इनके मन में किसी तरह का द्वेष भावना नहीं होती है परंतु नेकी करने के चक्कर में कभी कभी इनको बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को भी बुधवार के दिन घर में खीर बनावें और या कोई भी मीठा पदार्थ बना के भगवान गणेश जी को पहले अर्पित करें फिर घर में जो बच्चे हैं उनको खिलावें बाद में खूब खाने से दोनों पति पत्नी को इनका ग्रहण योग कम हो जाएगा तुला राशि अब तुला राशि में अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है तो ऐसे लोग ऐसे खुद तो बहुत साफ सुथरा स्वच्छ दिल के रहने का पसंद करते हैं हमेशा अपनी पत्नी की कमियाँ ढूंढने में ये अपना समय गंवाते रहते हैं पत्नी के यानी कि अपने ससुराल की बुराई करने में भी ये अग्रणी होते हैं अपनी पत्नी की प्रशंसा तो कदापि ये कर ही नहीं पाते हैं साथ ही अन्य स्त्रियों से भी ये दोस्ती करने का प्रयास करते रहते हैं वैसे इसमें इनको सफलता बहुत कम मिलती है लेकिन थोड़ा लोलुप स्वभाव हो जाता है जिससे इनके जीवन में बड़ा उथल पुथल होता है ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन माता संतोषी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए बाद में छोटी छोटी बच्चियों को वो प्रसाद वितरित करना चाहिए बाद में खुद पत्नी खाने से इनके घर में कलह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा वृश्चिक राशि अब वृश्चिक राशि एक तो यहाँ पर वैसे ही चंद्रमा नीच का हो जाता है ऊपर से राहु भी आ गया तो चंद्रमा पूरी तरह से यहाँ निस्तेज हो जाता है लेकिन ऐसे लोग बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं जो चीज़ इन्होंने ठान लिया उसको करने के पीछे नहीं हटते हैं वो चाहे नुकसान दे या लाभ दे ऐसे लोगों को तुरंत निर्णय किसी बात पे बड़े बात पर नहीं लेना चाहिए विशेषकर ऐसे लोग शत्रुओं का विनाश करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं अगर शत्रु ने इनको छोटा सा भी कोई नुकसान पहुंचाने का परेशान करने का प्रयास किया है तो ऐसे लोग जब तक अपने शत्रु को निष्ठाबोध नहीं कर देते शांति से नहीं बैठते हैं ऐसे लोग बड़े हिम्मती होते हैं बड़े साहसी होते हैं लेकिन मैं कहूँगा कि कोई भी काम लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई चीज़ हो तो वृश्चिक राशि वालों को पहले शांति से विचार करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए साथ ही कोर्ट कचहरी के मामले में भी जहाँ तक हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन और शंकर जी का भी ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप एक माला पाँच माला ग्यारह माला करें तो आपके जीवन में बहुत सी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी धनु राशि अब धनुराशि में चंद्रमा के साथ राहु बैठने से आदमी कई काम एक साथ करने का प्रयास करता है वो काम में कुछ सफल भी होता है कुछ विफल भी होता है लेकिन वो एक काम को बहुत अधिक समय तक नहीं कर पाता है इसका पूजा पाठ से भी थोड़ा पूजा करेगा फिर मन कम लगेगा फिर पूजा करेगा फिर छोड़ देगा तो ये अपने जीवन में सफलता पाने के लिए तो बहुत हाथ पैर मारता है अंत में सफलता मिलती ज़रूर है लेकिन बहुत अधिक संघर्ष करने के बाद ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाना चाहिए गुड़ के साथ रोटी खिलावें तो और अच्छा है नहीं तो कहीं भी जहाँ भी गाय मिले उसको घास रोटी लड्डू कुछ भी खिलाना चाहिए और जहाँ तक हो सके गौ माता की जितनी अधिक आप सेवा करोगे ब्राह्मणों की जितनी सेवा करोगे उतना आपके जीवन में अस्थाई लाभ मिलता रहेगा मकर राशि आप चूँकि मकर राशि में चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाने से मकर राशि के लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं हंसमुख स्वभाव के होते हैं लोगों की सहायता करना इनकी आदत भी होती है कमज़ोरी भी होती है किसी दुखी को ये सहायता करते हैं तो अब चूँकि चंद्रमा राहु के साथ बैठने से मकर राशि वालों को उन्हीं लोगों से आगे चल के समस्या पैदा होती है जिसका जिसका इन्होंने सहायता किया है मदद किया है और मकर राशि वालों को ये भी देखा गया है कि इनकी माँ के जीवन में कोई ना कोई समस्या कलह बनी रहती है कभी कभी तो इनके माता पिता के विचार कम मिलते हैं और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि इनके युवा युवावस्था में आते आते इनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है या विच्छेद हो जाता है जिससे इनकी मां का जीवन बहुत कष्टपूर्ण हो जाता है और उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी कमी आ जाती है ऐसे लोगों को शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर जाना चाहिए शनि भगवान को तिल तेल चढ़ाना चाहिए और चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करने से भी इनको काफ़ी राहत मिलेगी कुंभ राशि कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ राहु बैठने से ऐसे लोगों को हमेशा यात्रा में कोई ना कोई तकलीफ़ होती रहती है जब भी कोई बड़ी यात्रा करने का प्लान करेंगे यात्रा में बाधा आएगी इस तरह से इनको यात्रा के दौरान अपने सामान की पूरी तरह से सुरक्षित ध्यान रखना चाहिए और बाहरी लोगों से नए लोगों से आगंतुक लोगों से तुरंत दोस्ती नहीं करनी चाहिए अगर आप दोस्ती भी कर लेते हैं तो आपको अपना उद्देश्य अपनी गुप्त बातों को कदापि बताना नहीं चाहिए ऐसे लोग भी शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें और जहाँ तक हो सके मंदिर में पूजा करने वाले पंडित पुजारी या कोई भी गरीब व्यक्ति मिले तो उसको भोजन कपड़ा आदि देने से इनका यह दोष भी दूर हो जाएगा मीन राशि अब मीन राशि के लोगों के जीवन में अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है तो ऐसे लोग मीन राशि वाले क्या है बहुत ऊंचा-ऊंचा प्लान बनाते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं बड़े बड़े पदों पर जाने की इनकी आकांक्षा होती है तो ये कभी कभी तो अपने मन पद पा पा जाते हैं लेकिन इनको बेवजह का अहंकार आ जाता है ये अहंकार इनको बहुत नुकसान करता है ये अपने अहंकार में अपने अधिकारियों से उलझ जाते हैं जिस बात पे जिद करेंगे ये अपनी जिद तोड़ना पसंद नहीं करते हैं और जहाँ तक है कभी कभी धार्मिक व्यक्ति विद्वान लोगों से भी ये बातचीत करते समय उलझ जाते हैं ऐसे लोगों को पढ़े लिखे बुज़ुर्ग धार्मिक लोगों से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए आपको अच्छा ज्ञान है ज्ञान का आप उपयोग कीजिए लेकिन जहाँ तक हो धैर्य का परिचय दीजिए ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन गाय को गुण रोटी खिलाना चाहिए साथ ही हो सके तो महीने के एक एकादशी को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए अगर आप हर महीने में नहीं सुन सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि साल में एक या दो बार आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे इससे आपका राहु और चंद्रमा के दोष में बहुत कमी आएगी तो मित्रों आज मैंने आप लोगों को चंद्र राहु के ग्रहण योग के बारे में जो बताया है मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए नमस्कार